हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम क्रूर को बनाने वाले हैं। तो इस ड्राइंग को बनाने के लिए हमें इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो इसके लिए आपको कुछ इस तरह से लाइंस ड्रॉ करनी होगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली ड्राइंग की वीडियोस मिलती रहें। तो इस तरह से हमने इसकी बॉडी के स्ट्रक्चर को पूरा कर लिया है। ये इसकी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम इसके सिर पर जो मुकुट होता है उसे बनाएंगे। और इसके मुकुट के अंदर ही हमें इसका फेस भी बनाना है, कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको उसकी नेक बनानी है। इसके मुकुट पर आप कुछ इस तरह के डिजाइन्स बना दीजिए। और इसके गले पर आप कुछ इस तरह से ऑर्नामेंट बना दीजिए। तो अब मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि हमें इसकी फेशियल एक्सप्रेशन कैसे बनाने हैं। तो पहले हम इसकी आईब्रोज को बनाएंगे। इसे आप अभी ही ब्लैक मार्कर से कलर कर दीजिए। और एज वेल ऑलवेज हमें इस ड्राइंग को भी एंग्री फॉर्मेट में ही दिखाना है। और इसके माउथ पर आप कुछ इस तरह के दो नुकीले दांत बना दीजिए। एंड अब हम इसकी आर्म्स बनाएंगे। तो इसकी आर्म के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम इसके आर्म्स को बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके शोल्डर को बना देंगे और आर्म के स्ट्रक्चर में हम इसकी आर्म्स को बनाएंगे। तो इस तरह से आपको इसकी आर्म्स को बनाना है। और जैसा कि आप सब देख सकते हो कि ये आर्म्स आर्म की स्ट्रक्चर के अंदर ही आ रही हैं। तो अब हमने हैंड्स को भी बना दिया है। अब आप इसके ब्रेड्स से नीचे तक इस तरह से लाइन लगा सकते हो। और इसे थोड़ा मस्कुलर दिखाने के लिए कुछ इस तरह से लाइन लगा दीजिए। और अब आप इसके क्लोथ को बनाइए। इस पर भी आप कुछ इस तरह से लाइंस बना सकते हो। एंड अब हम इसके लेग्स के स्ट्रक्चर को बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इसकी परफेक्ट लेग्स बना दीजिए। एंड इसके साथ ही आप इसके फीट बना दीजिए। तो अब हमारी ड्राइंग पूरी हो चुकी है। अब जो हमने स्ट्रक्चर के लिए पेंसिल से लाइंस लगाई थी उसे आप मिटा सकते हो। और अब हमें इसे कलर करना है। कुछ लाइंस को आपको ब्राउन कलर से और कुछ लाइंस को आपको येलो से कलर करना है। और यहाँ दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। होपफुली आपको ये ड्राइंग पसंद आई होगी। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।